जय जय कॉफी। थैंक्स। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, एक इंसिडेंट याद आ गया। बताओ मुझे भी। हम लोग वैली में थे, सोपोर में। हम वहां BSF के साथ बहुत क्लोजली काम करते थे। हमारा एक ऐसे था चेरू, ही वॉज रियली गुड। सर कैसे चेरू? सर एक खबर मिली है। सर से काफी इनपुट्स मिलते थे। हमने कम से कम 4-5 मेजर ऑपरेशंस किए थे उसके इंटेल के बेसिस पे। अभय सर यूज्ड टू लाइक हिम अ लॉट। जब भी मिलता था उसे कुछ पैसे दे देते थे। एक दिन चिरू गायब हो गया। He just vanished। और एक हफ्ते बाद उरी आर्मी कैंप में एम्बुश हुआ और हमारे 19 सोल्जर्स मारे गए। अभय सर का नेटवर्क बड़ा ही स्ट्रांग था। उन्हें पता चल गया कि चिरू ने ही कैंप की डिटेल्स मिलिटेंट्स के साथ शेयर किए थे। उन्होंने हम सबको स्टैंड बाय पे रखा और अकेले निकल गए। अभय सर के पास इंफॉर्मेशन थी कि चेरू हर हफ्ते 10 दिन में अपने चाचा के घर आता जाता दिखता है। वो वही रोड पे टिक गए। One can't imagine how he did it। दो दिन बाद
रहा चलाता रहा चलाता रहा चलाता चलाता दारू पिला मैं आता हूँ सर, बहुत बड़ी गलती हो गई। ए नानू गर्म पानी मिलेगा क्या? जी सर। सर प्लीज सर, सर बहुत बड़ी गलती हो गई सर, प्लीज सर, सर माफ कर दीजिए सर। तूने हमारे लिए कितना किया है शेरू, तुझे तो मारते हुए भी रोना आ रहा है। लेकिन आप छोड़ोगे नहीं, मुझे ये भी पता है। हाँ यार, गद्दारी बर्दाश्त नहीं होती। सर आपका नाम बता दूं? यहां हिजबुल का सरबरा आपको क्या कहकर बुलाता है बताऊं आपको? क्या? आईआर। गूगल करूं या मतलब ही बताएगा इसका? जो जब चाहे रूप बदलता है, जिसे जादू आता है। पिछले साल 4 बार ट्राई किया आपको मारने के लिए, लेकिन हर बार आप बच गए। तो उनका सरबरा कहता है आप आईआर हो, आयारी आती है आपको। कोई आखिरी ख्वाहिश? सर नूडल्स खिला दो। ए नूडल्स है क्या? नो सर। जय सर नूडल्स ले गया, खिला देते हैं, नहीं तो पाप लगेगा। सर बनाना एक और। So that's the man, Sonia.